हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप है मजेदार छोरे के साथ और आज गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सब, क्योंकि गुड़ चुके प्रणाम। बना लेते अपने लिए गर्म गर्म चाय और उसके साथ अपने बैडमिंटन, जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत पसंद है। अब खाएंगे अपनी चाय और बैडमिंटन। चलिए, ये तो इसी का नाम है, बाकी सब तो जी रहे हैं चाय। चलिए गाइस, चाय के साथ कुछ हो जाए, इसके लिए हम बना लेते अपने बैडमिंटन, जो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत क्रंची होते हैं। और आप लोगों ने कभी खाया है कि नहीं खाया है ये, और जरूर बताइएगा। और फटाफट हम इसकी करते हैं मेकिंग और फिर आप देखिएगा आपको कैसा लगा बनके। चलिए बनाते हैं इसको झटपट। और ये हमने अपनी कढ़ाई में डाल दिया है और इसको उल्टा करें, आगे करें, पीछे करें और फिर इसको तल लेते हैं। फटाफट ये तल के हो गए तैयार और हम इसको करते हैं जल्दी से चटपट। आज मैं आपको बता दूं, आज मेरा फेवरेट चीज आ चुका है जिसका मैं पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था। और वो फेवरेट चीज क्या है, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और गेस कीजिए क्या है वो फेवरेट चीज। गाइस, हम अपना अनबॉक्स कर रहे हैं जिसका मेरे को बहुत दिनों से इंतजार था, पिछले एक हफ्ते से। ये देखिए मेरी आज वो चीज आ गई। और इसमें क्या है, ओ फाइनली आई गॉट माय ट्राइपॉड। आज तो मुझे जो खुशी मिल रही है ना, वाकई आपको क्या ही बताऊं मैं। जल्दी से इसको खोल लेते हैं फटाफट, बहुत मजा आ रहा। देखते हैं कैसा है, आप लोगों को भी दिखाता हूं। तो बहुत हार्ड पैकिंग किया है फ्लिपकार्ट ने, मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है और आज इस खुशी में तो मैं जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया बनाने वाला हूं। देखते हैं वो बढ़िया क्या होता है। बहुत दम लगाना पड़ा, फाइनली मेरा ट्राइपॉड आ गया। आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा। अब आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, बहुत मजा आया। देखिए गाइस, इसका मेरे को बहुत दिनों से इंतजार था। मैंने फ्लेक्सिबल वाला मंगाया है, देखिए इसको आप जैसे मर्जी मोड़ सकते हैं, जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। और मुझे बहुत मजा आ रहा, मजा आ गया। आज तो मेरा दिल खुश हो गया, आज तो मेरा दिन बन गया। और आज मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए बिना एक बूंद पानी के देसी स्टाइल में बिहारी चिकन। मिलते हैं किचन में। आज तो मैं अपने ट्राइपॉड को ही फ्राई करने वाला हूँ, इसी को बनाऊंगा। चलिए गाइस, अपना बिहारी स्टाइल देसी चिकन बनाने के लिए फटाफट करते हैं अपने सब्जियों की। देखिए गाइस, झटपट हुई सब्जियों की कटिंग। ये प्याज, ये जिंजर गार्लिक का मैंने अच्छे से कूट लिया है, ये हरी मिर्च, ये खड़ा लहसुन डालेंगे क्योंकि ये देसी बिहारी चिकन है ना। और ये टमाटर कट के हो गए रेडी और ये मैंने साथ में धनिया भी काट लिया है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ देसी स्टाइल का बिहारी चिकन बिना एक बूंद पानी के। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। और ये बिहारी चिकन देख के ना आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आ गया ना। तड़के के लिए एक तेज पत्ता, एक खड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, चार लौंग, इससे लगाएंगे तड़का। गरम मसाले का तड़का देने से बहुत अच्छा स्वाद आता है और बहुत अच्छी खुशबू रहती है क्योंकि ये देसी चिकन है ना, इसीलिए। देखिए, और एक तरफ हमने अपने सारे मसालों को अच्छे से फुला लिया है। इसमें है पाउडर या मिक्स मसाला, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जिससे कश्मीरी मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, इसीलिए मैंने इन सभी मसालों को ऐड किया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम अपने खड़े मसालों का तड़का देते हैं। देखिए, हमने अपने खड़े मसालों का तड़का दे दिया, इसमें हरी मिर्च डालते हैं तो। फिर अपने प्याज को इसमें डाल देते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक एक स्टेप समझ आएगा मैंने कैसे बनाया अपना देसी स्टाइल का चिकन। ये है मजेदार छोरे का स्टाइल चिकन बनाने का, आप भी मेरे स्टाइल से बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। फिर दे दे इसमें जिंजर गार्लिक, इसमें सबको फेंक के मारने का ऐसे। देखिए गाइस, अपने देसी चिकन में फेंक के मारेंगे खड़ा लहसुन और इसको अच्छे से चला लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें डालेंगे पहले अपने मसाले, ताकि मसाले अच्छे से पक जाए, थोड़ा उनमें से कलर आ जाए अपने मसालों में से, फिर डाल के भूजेंगे अपने चिकन को। देखिए गाइस, हमारे आज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं अपने फुलाए हुए मसालों को। और मसाला फुला के बनाने से जो टेस्ट आता है ना, वाकई लाजवाब आता है। ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे तरीके से। देखिए गाइस, मैंने अपने मसालों को डाल दिया है, अभी अच्छे से पक जाए तो इसमें से लाल कलर आ जाएगा,
फिर इसमें अपने चिकन को डालेंगे। इस मसाला डालने के बाद हम इसमें अपने टमाटर डाल देते हैं, फेंक के मारते हैं अपने टमाटर को। और टमाटर डाल देने से मसाले के साथ एक ये होता है कि हमारा मसाला जलता नहीं है। देखिए गाइस, हमारे मसालों में से कैसे लाल रंग आ गया है, तेल सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। देखिए गाइस, हमने अपना सारा चिकन एक एक करके डाल दिया है। अब ये अच्छे से पकेगा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। अभी अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। पूरा देखिएगा मेरे एक एक स्टेप को, फिर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, और आप भी इस तरीके से बनाइएगा। देखिएगा इसका टेस्ट, मजा नहीं आ गया ना, तब आप कहिएगा मुझको। बहुत मजा आया। चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ दिया, और हम इसमें एक भी बूंद पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे बिना एक बूंद पानी का देसी चिकन। ठीक है गाइस, देखिए चिकन अपना पानी खुद छोड़ रहा है, और इसी के पानी से हम पूरे चिकन को पकाएंगे। अपना बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, और इसको टाइम टाइम पे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग, बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना, और इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया। देखिए गाइस, देखिए मित्रों, मेरा चिकन अच्छे से भुंज गया है, और किसी की लार तो नहीं टपक रही। लार टपक रही है तो बता दो, उसको भी भेज देंगे, पार्सल कर देंगे। और मेरे दिल्ली वाले भाइयों, तुम्हारा चकना बन के तैयार हो गया, जल्दी से आओ दौड़े दौड़े, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बस जी बस, 2 मिनट और रुक जाओ, पूरा तैयार कर देते हैं इसको, फिर आना आप खाने के लिए। वाओ, वेरी अमेजिंग। बट बना लेते हैं अपनी रोटियां, क्योंकि चिकन तो देखिए ऑलमोस्ट, चिकन में से क्या कलर आ गया है। देखिए गाइस, क्या मस्त कलर आ गया है, चिकन मेरा बनके तैयार हो गया है। बस अपनी गर्मा गर्म रोटियां। बेलने के बाद तवा पे रोटी को डाल दिया है मैंने, और बनाते हैं अपनी रोटी। देखते हैं आज आप लोगों ने अपने डिनर या लंच में क्या किया, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे को। मेरे को आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मेरे स्टाइल से ना, ये जो मैंने आज चिकन बनाया है ना, एक दिन ट्राई कीजिएगा, बस मेरे स्टाइल से एक दिन इस तरीके से चिकन ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे को बताइएगा कि मेरे बनाने का तरीका अच्छा है या आपके बनाने का तरीका गलत है। ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है मेरी रोटी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। गाइस, मेरा चिकन कितना अच्छा बन के तैयार हो गया, पूरे अच्छी तरह से भून गया, पूरा लाल कलर आ गया। अब इसमें हम फेंक के मारेंगे धनिया। फाइनली हमारे चिकन हुआ कंप्लीट। आज तो 40-50 रोटियां भी कम पड़ जाएंगी चिकन को देख के। और वाह 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 वाह, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। देखिए जल्दी से, अब जल्दी फ्रूट्स ले लेते हैं सुबह के लिए।